पाई जाती हैं जिनका सूत्र 2 + 3 + 3 + 3 + 3 होता है। इस प्रकार पश्चपाद में 60 हस्तियाँ पाई जाती हैं। पटेला का निर्माण टांग की वृहद प्रसारणी पेशी के कंडराओं में होता है। संधियों को जोड़ या जॉइंट्स भी कहते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं। इन्हीं संधियों के कारण कंकाल में गति संपन्न होती है। स्थिर या अचल संधि, ये संधियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं तथा इनके बीच गति संपन्न नहीं होती, जैसे करोटी की अस्थियाँ। आंशिक चल संधि, ये संधि दृढ़ होती हैं लेकिन तनाव व ऐंठन के कारण इनमें आंशिक गति संपन्न होती है। ऐसे जोड़ों को सिम्फाइसिस कहते हैं, जैसे कशेरुकाओं की संधियाँ। दंतिकाष्ठियों के मध्य की संधियाँ, ये संधियाँ दो प्रकार की होती हैं, घुराग्र संधि, एटलस एवं एक्सिस के मध्य की संधि। दूसरे विसर्पी संधि, जैसे कशेरुकाओं की संधि, कलाई की संधि, टखने की संधि। तीसरा चल संधि, दो हड्डियों या अस्थियों के बीच एक गुहा पाई जाती है तथा अस्थियों की संधिकारी सतह काचाब उपास्थि से बनी होती है, जिससे घर्षण कम होता है। अस्थियाँ आपस में स्नायु द्वारा जुड़ी रहती हैं। गुहा में म्यूसिन युक्त तरल द्रव भरा रहता है, जो घर्षण को
कम करता है। ये चल संधियाँ निम्न तीन प्रकार की होती हैं, कंदुक, खल्लिका, संधि। जैसे कंधे की संधि, कुल्हे की संधि आदि। कब्जा संधि, कोहनी की संधि, घुटने की संधि, अंगुलियों की संधि आदि। इसमें एक तरफ कब्जे के समान हड्डियां मुड़ती हैं, लेकिन दूसरी तरफ नहीं मुड़ती। दीर्घ वृत्ताज संधि, रेडियस तथा कार्पल्स के मध्य की संधि। इसकी दो तलों में गति संभव है।